दोस्तों, आपने हमने सबने हमेशा से अपने बड़े बूढ़ों से ये चीज सुनी है कि ये जो युग चल रहा है उसे कलयुग के नाम से जानते हैं, लेकिन इस युग के पहले भी और युग हुए हैं। इन सभी युगों का अपना अपना समय रहा है। इससे पहले सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग जैसे युग रहे हैं जिसमें भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी। दोस्तों, जैसे समय के साथ साथ सारे युग बदले हैं, क्या उसी तरह अभी चलने वाला ये युग कलयुग भी बदलेगा या नहीं? और अगर बदलेगा तो कब? क्या आपने कभी इस चीज के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम विस्तार पूर्वक आपको यही बताएंगे कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा और इसके बाद किस युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि ये पांचों ग्रह मेष राशि में 0 डिग्री पर विराजमान हो गए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि कलयुग के 5,121 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। गीता में भी इस बात का वर्णन किया गया है। गीता के अनुसार परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, दिन के बाद रात होती है, जैसे ऋतु भी अपने निश्चित समय के साथ परिवर्तित होते हैं, ठीक उसी तरह एक काल का बदलना भी एक अटल सत्य है। दोस्तों, अगर आपने कभी विष्णु पुराण पढ़ा हो तो उसमें इस बात का जिक्र स्वयं विष्णु जी के द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार कलयुग ग्रंथों में कलयुग से जुड़ी एक कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है, एक दिन किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, अभी द्वापर युग चल रहा है और कालखंड के चक्कर के अनुसार इसके बाद कलयुग आने वाला है, लेकिन मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब विष्णु जी ने कहा, जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा तब समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के बालों से होगी। अभी जिन बालों को स्त्री का आभूषण माना जाता है, उन्हीं बालों को कलयुग के स्त्रियां कटवाना शुरू कर देंगे। उसके बाद सभी स्त्री या पुरुष सुंदर दिखने के लिए अपने बालों को रंगना शुरू कर देंगे और फिर कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद जिस दिन बेटा अपने पिता पे हाथ उठा देगा, उस दिन समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, जब हर घर में कलेश होने लगेगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहना चाहेगा, लोग अपने ही घरों में अपने सदस्यों को मारने लगेंगे, तो समझ लेना कि कलयुग अपने चरम पे पहुंच चुका है। उसके बाद में शिव और ब्रह्मा एक हो जाएंगे और फिर जब कलयुग सब पे हावी हो जाएगा तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से नए तरीके से शुरू होगा। दोस्तों, कलयुग से पहले सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष थे और इसमें इंसान की आयु 1,00,000 वर्ष थे, मतलब कि कोई भी व्यक्ति गिरे से गिरे हालत में भी 1,00,000 साल तो जीता ही था। उसके बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ और इस युग की अवधि 12,96,000 साल थे। इसके बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ, इसमें मानव की आयु 10,000 वर्ष थे और इस समय कलयुग चल रहा है। इस समय इंसान 100 साल तक जीता है। दोस्तों, कलयुग का कुल समय 4,32,000 साल है। जब कलयुग अपने चरम पे होगा तब इंसान की आयु 13 साल की ही रह जाएगी और कलयुग के अंतिम समय में महिलाओं के पीछे लोग मरेंगे कटेंगे, केवल अमीर लोगों के पास महिलाएं होंगे। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का पतन शुरू हो जाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे और भाई ही भाई की जान का दुश्मन बन जाएगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनका अपने घरों में ही शोषण होगा, अपने ही घर के लोग उनपे गलत नजर रखा करेंगे, रिश्तों की मर्यादा समाप्त होने लगेगी। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी, न पति पत्नी की इज्जत करेगा न पत्नी पति के, शादी जैसा पवित्र रिश्ता इस युग में अपवित्र हो जाएगा। दोस्तों, नारायण शास्त्र में भगवान नारायण ने स्वयं नारद जी को बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे, हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी, पतियों को डांट डपट पड़ेगी, पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। तो वहीं शिव पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि कलयुग में घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंस जाएंगे, यानी गलत कामों में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की बुराई करने में लीन रहेंगे, लोग दूसरों के धन को हड़पने की इच्छा पालने लगेंगे और इसी विचार से लोग उस व्यक्ति को मार तक देंगे। पराई स्त्री के लिए मनुष्यों के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगेंगे, वो उन्हें गंदी नजरों से देखेंगे तथा वो दूसरे प्राणी और जीवों पर हिंसा करने लगेंगे, सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। ये ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य बिल्कुल बुद्धिहीन होता चला जाएगा और पशु जानवर इंसान से ज्यादा समझदार होंगे। इस युग में संतान अपने माता पिता से ही बैर रखेगी, उनके किसी भी फैसले को नहीं मानेगी और उनसे बराबर लड़ाई करेगी। दोस्तों, कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए उनके वेद शास्त्र सब कुछ होते हैं, पर वही ब्राह्मण कलयुग में अपने वेदों को बेचकर अपनी जीविका चलाएंगे, पैसा कमाने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और मन ही मन उसे सिर्फ रटेंगे। ब्राह्मण अपनी जाति भूलकर मांस मदिरा आदि का सेवन करेगा। कुछ पुराणों में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि सतयुग और त्रेता युग में जो सबसे स्वच्छ और पवित्र थे, वही कलयुग में सबसे बड़े अधर्मी होंगे।
इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी स्वधर्म का त्याग कर देंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, चोरी चकारी कर अपना पालन पोषण करेंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नापतोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वो अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। स्वयं को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और सभी वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। कलियुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगे। वो सास ससुर से घृणा करेंगे, स्त्रियां किसी का भय नहीं मानेंगे। वो मांसाहार भोजन खाएंगे और मदिरापान करेंगे। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वो अपनी पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगे। दोस्तों, आज शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें सच में घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी सिर्फ 5000 साल पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो जरा सोचिए कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो क्या होगा। दोस्तों, महाभारत के समय श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और उसके बाद उदय होने वाले सतयुग के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। खेती करने के लिए लोगों के शरीर में जान नहीं रह जाएगी, इसलिए खेती की कमी से खाने के लिए अन्न नहीं होगा। लोग अपनी भूख मिटाने के लिए कच्चा मांस तक खाएंगे। यहाँ तक कि लोगों को गंदगी भी खानी पड़ेगी। पीने के पानी और एक एक रोटी के लिए लोग एक दूसरे को जान से मारने लगेंगे। दिन दहाड़े चोरी और मारकाट आम बात हो जाएगी। लोग अपने ही घरों से चोरी करना शुरू कर देंगे। हत्यारों की भी हत्याएं होने लगेंगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 13 वर्ष की होगी। सभी लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगे और इस तरह इस काल का अंत हो जाएगा। इसके बाद कृष्ण जी आगे कहते हैं कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पे पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतार लूंगा और इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा, और उसके बाद जो नया युग आएगा वो सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा होने के बाद जब सृष्टि 23वें चक्र में प्रवेश करेगी, तो फिर से नवयुग आरंभ होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। सतयुग काल के प्रारंभ होते ही सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का बोलबाला होगा। लोगों के लिए भगवान और माता पिता सर्वोपरि होंगे। मनुष्य माता पिता के सुखों के लिए खुद को बलि तक चढ़ा दिया करेंगे। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्य रुपया पैसा सब छोड़कर केवल धर्म और आस्था को ही मानेगा। मनुष्यों में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाई भाई में अटूट प्रेम होगा। क्षत्रिय अपनी जुबान के पक्के होंगे और खूब बलशाली होंगे, जो कि प्रजा हित कार्य करेंगे। वैश्य यानी कि बनिया धर्म के प्रति सजग होगा। धर्म ही उसके लिए पूज्य होगा। उसके पास आने वाले समय के लिए जमा पूंजी होगी। और ब्राह्मण निस्वार्थ सबका कल्याण करेगा और आस्था से दिए हुए भोजन को स्वीकार करेगा। लोग पूजन कर्मकांड में विश्वास करेंगे। स्त्रियां घूंघट में रहकर सती सावित्री होंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्णयुग कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि कलयुग में जो भी लोग धर्म और कर्म पे विश्वास करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह है कलयुग और उसके बाद आने वाले सतयुग के बारे में शास्त्रों में वर्णित जानकारी। आपके इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।